तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डायनासोर किंग के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फायर टाइप डायनासोर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉप 10 पे जो डायनासोर आता है वो आता है यांग चुआनोसोरस। और यांग चुआनोसोरस के नाम का मतलब है लिजर्ड, यानी छिपकली। और ये डायनासोर एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर है। और ये डायनासोर 8 मीटर से 11 मीटर तक लंबा होता था और 26 फीट से 36 फीट तक ऊंचा होता था। तो अब बात करते हैं टॉप 9 डायनासोर की। तो टॉप 9 पर आता है हमारा डेस्प्लेटोसोरस। तो डेस्प्लेटोसोरस के नाम का मतलब है फ्राइटफुल लिजर्ड, यानी आनंद या छिपकली। एक ऐसी छिपकली जो हमेशा आनंद में रहना और मजे में रहना पसंद करती है। और ये डायनासोर 8 मीटर से 9 मीटर तक लंबा होता था और 26 फीट से 30 फीट तक ऊंचा होता था। और डेस्प्लेटोसोरस भी यांग चुआनोसोरस की तरह एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर है। अब बात करते हैं टॉप 8 डायनासोर की। तो टॉप 8 पर आने वाला डायनासोर है मैपुसोरस। और मैपुसोरस के नाम का मतलब है अर्थ लिजर्ड, यानी धरती पर रेंगने वाली छिपकली। और मैपुसोरस डायनासोर डेस्प्लेटोसोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला डायनासोर था। और इसकी लेंथ 10 मीटर से 12 मीटर तक होती थी और इसकी हाइट 33 फीट से 40 फीट तक होती थी। तो अब बात करते हैं टॉप 7 डायनासोर की। हमारी लिस्ट में टॉप 7 नंबर पर आने वाला डायनासोर है राजा सोरस। और राजा सोरस के नाम का मतलब है प्रिंस लिजर्ड, यानी कैसी छिपकली जो सारी छिपकलियों की राजा हो। तो अगर राजा सोरस की लेंथ की बात की जाए तो राजा सोरस 8 मीटर से 9 मीटर तक लंबा होता था और इसकी हाइट 26 फीट से 30 फीट तक होती थी। और राजा सोरस भी मैपुसोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर था। तो अब बात करते हैं टॉप 6 डायनासोर की। तो हमारी लिस्ट में टॉप 6 नंबर पर आने वाला फायर टाइप डायनासोर है कार्केरोडोंटोसोरस। और कार्केरोडोंटोसोरस के नाम का मतलब है एक शार्क टूथ लिजर्ड, यानी ऐसी छिपकली जिसके दांत बिल्कुल शार्क की तरह नुकीले और धारदार हों। और कार्केरोडोंटोसोरस भी राजा सोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला डायनासोर है। कार्केरोडोंटोसोरस 12 मीटर से 13.3 मीटर तक लंबा होता था और इसकी हाइट 39 फीट से 44 फीट तक होती थी। तो अब बात करते हैं टॉप 5 डायनासोर की। तो हमारी लिस्ट में टॉप 5 नंबर पर आने वाला फायर टाइप डायनासोर है टार्बोसोरस। तो टार्बोसोरस के नाम का मतलब है अलार्मिंग लिजर्ड, यानी एक ऐसी छिपकली जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो। और टार्बोसोरस भी कार्केरोडोंटोसोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला डायनासोर था। और टार्बोसोरस की लंबाई 10 मीटर से 12 मीटर तक होती थी और उसकी हाइट 33 फीट से 40 फीट तक होती थी। तो अब बात करते हैं टॉप 4 डायनासोर की। तो टॉप 4 नंबर पर आने वाला फायर टाइप डायनासोर है टार्बोसोरस। तो टार्बोसोरस के नाम का मतलब है सी वेज लिजर्ड। और इस डायनासोर की लेंथ 10 मीटर से 11 मीटर तक होती थी और इस डायनासोर की हाइट 33 फीट से 36 फीट तक होती थी। और टार्बोसोरस भी टार्बोसोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर था। तो अब बात करते हैं टॉप 3 डायनासोर की। तो टॉप 3 नंबर पे आने वाला डायनासोर है सोरोफ्रैगनेक्स। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सोरोफ्रैगनेक्स को 3rd नंबर पे क्यों रखा है, जबकि इसने सेथ का बनाया हुआ सुपर मूव फायर स्कॉर्चर को भी झेल लिया था, जिस मूव को टेरी भी नहीं झेल पाया था। तो दोस्तों, सोरोफ्रैगनेक्स सेथ के बनाए हुए फायर स्कॉर्चर मूव को इस वजह से झेल गया था क्योंकि सेथ ने उसके लिए एक पावर सेव करने वाला शील्ड तैयार किया था। और जब सेथ ने पहली बार फायर स्कॉर्चर मूव को टेरी को पर इस्तेमाल किया तो उसकी तबीयत इस वजह से खराब हुई क्योंकि सेथ ने उसकी पावर को सेव करने के लिए कोई भी पावर शील्ड नहीं लगाई थी। और उसी पावर सेव करने वाली शील्ड की वजह से सोरोफ्रैगनेक्स जब उस फायर स्कॉर्चर मूव को यूज करता था तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं आती थी। और इसी वजह से टेरी की सारी एनर्जी खत्म हो गई और टेरी हद से ज्यादा कमजोर हो चुका था। और इसी बात को खुद सेथ ने बताया था सीजन 1 के एपिसोड 46 में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमला तो असरदार था मगर उसे टेरी की सारी एनर्जी खत्म हो गई है। मेरा मूव कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर डायनासोर कमजोर है तो बेकार है। मुझे एक ऐसा शील्ड बनाना पड़ेगा जो डायनासोर की एनर्जी को बचाए रखे। हाँ फ्रेंड्स, अब तो आप लोग समझ चुके होंगे मैंने सोरोफ्रैगनेक्स को 3rd नंबर पे क्यों रखा था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोरोफ्रैगनेक्स के नाम का मतलब क्या। तो सोरोफ्रैगनेक्स के नाम का मतलब है लिजर्ड ईटिंग मास्टर, यानी एक ऐसी छिपकली जो खाने में बहुत ही ज्यादा मास्टर हो। और सोरोफ्रैगनेक्स की लंबाई 10.5 मीटर से 13 मीटर तक होती थी और इसकी हाइट 34 फीट से 43 फीट तक होती थी। और सोरोफ्रैगनेक्स भी टार्बोसोरस की तरह ही एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर था। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाले फायर टाइप डायनासोर के बारे में। तो नंबर 2 पे आने वाला फायर टाइप डायनासोर है इयोकाचारिया। और इयोकाचारिया के नाम का मतलब है फेरेंस आई डाउन शार्क,
यानी भयंकर आंखों की रोशनी। और इस डायनासोर की लंबाई 8 मीटर से 11 मीटर तक लंबी होती थी और इस डायनासोर की ऊंचाई 26 फीट से 35 फीट तक होती थी। और इयो का चारे भी सोरोफ्रैगनेक्स की तरह ही एक मांस खाने वाला कार्निवोरस डायनासोर है। तो अब बात करते हैं टॉप फर्स्ट पे आने वाले फायर टाइप डायनासोर के बारे में। तो हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे है टायरानोसॉरस रेक्स, यानी टी रेक्स, टेरी, टायरानोसॉरस और गाइगस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नंबर फर्स्ट पे इतने सारे डायनासोर के नाम क्यों लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे डायनासोर ही टीरेक्स की प्रजाति के हैं। क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ दोस्त मानते हैं कि टेरी अलग है, टायरानोसॉरस अलग है और टीरेक्स अलग है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, टेरी, टायरानोसॉरस और टीरेक्स बिल्कुल एक है और गाइगस भी एक ही है इनमें से। क्योंकि फ्रेंड्स सेथ ने गाइगस को थोड़ा इवॉल्व किया था, इस वजह से उसका थोड़ा कलर चेंज हो गया था, वो रेड की जगह सिल्वर कलर का हो गया था। और गाइगस का नाम गाइगस स्पेस पायरेट्स ने रखा था। और टेरी के नाम का मतलब है टायरेंट लिजर्ड किंग, यानी तानाशाह छिपकली राजा। और एक टायरानोसॉरस की लंबाई 12.2 मीटर तक होती थी और उसकी ऊंचाई 40 फीट तक होती थी। और टायरानोसॉरस भी सभी फायर टाइप कार्निवोरस डायनासोर की तरह ही एक कार्निवोरस डायनासोर है। तो अब हम बात करेंगे हमारी लिस्ट के एक बोनस फायर टाइप डायनासोर के बारे में, जो हमारी लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डायनासोर है। और उस डायनासोर का नाम है ब्लैक टीरेक्स, जिसे सेथ ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। और सिर्फ ब्लैक टीरेक्स एक ऐसा डायनासोर है जिसको हराने के लिए सभी टाइप के डायनासोर्स की पावर की जरूरत पड़ती है। और इस डायनासोर का नाम का मतलब ही टीरेक्स की तरह ही है टायरेंट लिजर्ड किंग, यानी तानाशाह छिपकली राजा। और ब्लैक टीरेक्स की रियल लेंथ ऑफिशियली बताई नहीं गई है और ब्लैक टीरेक्स की हाइट 100 फीट तक होती थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डायनासोर किंग का सबसे ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो छोड़ के जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड देखना चाहते हो तो हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल के नेम पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड सारे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, अगली वीडियो आपके पसंद के टॉपिक पर होगी। अब आपको स्क्रीन पर चार वीडियो शो हो रही होंगी, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो प्ले हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।